हे गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। आज अगर तो आप लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे तो गाइस आज का गेम प्ले यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने जा रही है, क्योंकि हम लोग आज करने जा रहे हैं गाइस यहां पर स्टेयर्स जंपिंग चैलेंज। एंड फिलहाल यहां पर देख सकते हो अपना इंडियन टीम एंड इधर पे आप लोग देख सकते हो गाइस अपना पाकिस्तानी टीम। फिलहाल आप लोगों को मैं एक बार ट्रैक दिखाना चाहता हूं गाइस, इधर से मैं चलता हूं भाई एंड दिखाता हूं आप लोगों को एक बार ट्रैक। ये देख सकते हो गाइस इधर से होता है अपना ट्रैक स्टार्ट, इधर से अपना इंडियन टीम एंड पाकिस्तानी टीम। भाई यहां पर आप लोग देखो यार ट्रैक कितना ज्यादा खतरनाक है, पूरा हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा लंबा स्टेयर्स बनाया। भाई देखो कहां से अपना स्टेयर्स भाई शुरू हो रही है और भाई कहां जाके अपना स्टेयर्स खत्म हो रही है। तो गाइस देखेंगे कौन सा गाड़ी भाई इस स्टेयर्स चैलेंज में एकदम परफेक्ट तरीके से यार नीचे तक आ जाता है। जो गाड़ी भाई नीचे तक एकदम स्मूथ तरीके से आ जाएगा वो गाड़ी विनर लिस्ट पे आ जाएगा, लेकिन जो गाड़ी भाई नीचे आते आते यार क्रैश होकर पानी में गिर जाएगा वो गाड़ी फेलियर लिस्ट पे चला जाएगा। फिलहाल यार आप लोग देख सकते हो यहां पर इंडिया में से अपना ऑगी ने ले लिया है गाइस, यहां पर महिंद्रा थार मोटू ने लिया है गाइस, यहां पर महिंद्रा स्कॉर्पियो, अपना सिंचन ने लिया है गाइस यहां पर स्कॉर्पियो, एनडी ने यहां पर अपना किको ने लिया भाई टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर, एंड अपना चिंगम सर ने लिया यहां पर गाइस हुंडई का क्रेटा एकदम नई वाला मॉडल भाई। बाकी यहां पर आप लोग देख सकते हो अपना बॉब ने लिया गाइस यहां पर होंडा सिटी, एंड यहां पर अपना भाई ग्रीन गॉब्लिन ने लिया गाइस यहां पर अपना महिंद्रा बोलेरो। फिलहाल यहां पर पाकिस्तानी कार्स आप लोगों को दिखा देते हैं भाई, पाकिस्तानी कार्स में से अपना जैक ने लिया है भाई BJ40, देन यहां पर पतलू ने लिया भाई अल्फा रोमियो, डोरेमोन ने लिया भाई यहां पर फॉर्च्यूनर, बाकी यहां पर नोबिता ने लिया गाइस आउटलैंडर, यहां पर झपलू ने लिया गाइस लेक्सस, यहां पर भाई अपना टपलू ने लिया गाइस लैंड क्रूजर, एंड यहां पर अपना पपलू ने लिया गाइस यहां पर फोर्ड एक्सप्लोरर। तो गाइस यहां पर देखेंगे आज कौन सा टीम ज्यादा तगड़ा परफॉर्म कर पाता है, क्या यहां पर इंडियन टीम सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा या पाकिस्तानी टीम, वो देखना है अपने को। तो गाइस अभी ज्यादा वेट ना करके चलिए इंडिया की तरफ से भाई इंडियन टीम का परफॉर्मेंस देखते हैं। ऑलराइट, तो दोस्तों फिलहाल इंडिया की तरफ से गाइस अपना ऑगी लेके चल रहा है गाइस यहां पर महिंद्रा थार 2021 मॉडल। तो गाइस देखेंगे क्या यहां पर अपना ऑगी सही से परफॉर्मेंस कर पाएगा या नहीं। फिलहाल यार बहुत ही ज्यादा बम्पी ट्रैक है एंड ऑगी ने वैसे भाई थार हर टाइम चूज करता है भाई, ऑगी का आई थिंक फेवरेट गाड़ी है थार। बाकी यहां पर थार यार बहुत ही स्मूथ तो वैसे अभी तक जा रही है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, थोड़ा पीछे का हिस्सा भाई कुछ ज्यादा ही बम्पी तो हो रही है, लेकिन सामने के हिस्से से अगर लड़ जाएगा यार गाड़ी अपना तगड़ा तरीके से क्रैश होकर गिर जाएगा। फिलहाल यहां पर गाइस इंडिया का थार विनर लिस्ट पे आ चुका है एंड इसी के साथ भाई ऑगी ने एक पॉइंट कर दिया इंडिया की तरफ से। लेते दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट कोई पाकिस्तानी टीम का गाड़ी। बाकी यार पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर अभी जैक लेके चल रहे हैं भाई पाकिस्तान का जीप, जो कि भाई उसके पास है BJ40। तो गाइस अभी देखेंगे यार BJ40 का परफॉर्मेंस इधर पे कैसा रहता है, आई होप सो गाइस अच्छा तो रहना चाहिए। बाकी यार जैक तो भाई जीप यहाँ पर चूज किया क्योंकि जैक का फेवरेट गाड़ी भी यहाँ पर जीप रहता है उसी वजह से। फिलहाल यहाँ पर आप लोग देखो यार जैक का जीप और कितना ज्यादा सुंदर तरीके से जा रही है यार, नो डाउट आप लोग देख सकते हो। ओ भाई गया गया भाई जैक का गाड़ी गया यार, स्मूथ तरीके से छोड़ो भाई जैक का गाड़ी फेलियर लिस्ट पे आ चुका है यार, एकदम एंडिंग पे आके जैक का गाड़ी भाई यहाँ पर फेल हो गया क्योंकि जैक का गाड़ी क्रैश हो गया। सो गाइस ये गाड़ी फेल हो चुका है। दोस्तों अभी यहाँ पर इंडिया में से गाइस मोटू लेके चल रहे हैं गाइस महिंद्रा का स्कॉर्पियो S11, जो कि एकदम टॉप मॉडल है भाई स्कॉर्पियो का। अभी देखेंगे गाइस क्या यहाँ पर मोटू भाई अपना स्कॉर्पियो का परफॉर्मेंस कैसा कर पाता है। बाकी यार मोटू का गाड़ी अभी से ही भाई यहाँ पर डिसबैलेंस हो रही है, लेकिन भाई हाँ गाड़ी अभी कंट्रोल पे आ चुका है मोटू का। अभी देखते हैं भाई मोटू का गाड़ी क्या यहाँ पर सही तरीके से परफॉर्मेंस कर पाएगा या नहीं, वो हम लोग देखेंगे। वैसे अभी तक यार मोटू का गाड़ी बहुत ज्यादा सही जा रहा था, लेकिन यार बीच में आके मोटू का गाड़ी फेल हो गया यार, मुझे लगा नहीं था यार फेलियर लिस्ट पर आ जाएगा यहाँ पर अपना स्कॉर्पियो। वैसे अभी क्या किया जाए भाई, फेल सो फेल गाइस, देखते लेते हैं नेक्स्ट पाकिस्तानी टीम का परफॉर्मेंस। तो दोस्तों अभी यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से गाइस पतलू लेके चल रहा है गाइस अल्फा रोमियो, जो कि एक स्पोर्ट्स कार है, एंड भाई देखेंगे यहाँ पर अपना अल्फा रोमियो का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। लेट्स गो भाई, ये भी अच्छा गाड़ी है यार नो डाउट। बाकी इस गाड़ी का ना ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा कम है, सो मुझे थोड़ा बहुत तो डर लग रहा है कि भाई पतलू का गाड़ी यहाँ पर फेलियर लिस्ट पर नहीं आना चाहिए। बाकी जहाँ तक गाड़ी अभी तक जा रहा था यार सही जा रहा था, लेकिन भाई बीच में आके भाई ऐसा सीन हो गया आप लोग देख सकते हो। सो गाइस ये वाला गाड़ी भी अभी फेलियर लिस्ट पे तो आएगा ही आएगा, लेकिन गाड़ी अभी तक रुका नहीं यार। अभी देखो गाड़ी वैसे ट्रैक पे अभी तक है यार, क्या इसे हम लोग रिट्राई दे इधर से यहाँ? तो गाइस रिट्राई तो दे सकते हैं क्योंकि गाड़ी ट्रैक से तो वैसे नीचे नहीं उतरा, तो मैं सोच रहा हूँ भाई रिट्राई देना बनता है इधर से। तो गाइस इसे रिट्राई देते, अगर गाड़ी नीचे एकदम भाई क्रैश होकर गिर जाता तो गाइस इसे हम लोग फेलियर मान लेते, लेकिन नहीं गाड़ी ने नीचे नहीं गिरा। सो गाइस इसे हम लोग
मान सकते हैं भाई विनर लिस्ट पे। सो इसी के साथ पाकिस्तान का भी तक भाई 1 पॉइंट हुआ। सो देखते भाई लेते हैं नेक्स्ट गाड़ी का परफॉर्मेंस। तो गाइस अभी अपना 5 साल का सिंचन भाई लेके जा रहे हैं भाई यहाँ पर इंडिया में से यार महिंद्रा का स्कॉर्पियो N2022 मॉडल। तो गाइस अभी देखेंगे यहाँ पर इंडियन महिंद्रा स्कॉर्पियो वैन का परफॉर्मेंस इधर पे कैसा रहता है। आई होप सो गाइस अच्छा तो रहना चाहिए, बाकी यार देखना पड़ेगा यहाँ पर कितना क्या अच्छा रहता है। एंड भाई साहब गाड़ी तो रेडी हो चुका है, बिग डैडी ऑफ एसयूवी भाई, बिग डैडी ऑफ एसयूवी है तो भाई एसयूवी का तरह परफॉर्मेंस भी करना तो चाहिए यार। बाकी गाड़ी यहाँ पर बहुत ही सुंदर जा रही है यार, अभी तक तो कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। इधर पे थोड़ा बहुत बबलिंग तो हो रही है लेकिन मुझे नहीं लगता यार ये गाड़ी फेलियर लिस्ट पे आएगा, वैसे अभी तक सही जा रही है। ऑब्वियसली भाई गाड़ी अपना विनर लिस्ट पे आ चुका है गाइज, आप लोग देख सकते हो। इसी के साथ इंडिया का हो चुका है गाइज अभी जाके 2 पॉइंट। खैर देखते लेते हैं नेक्स्ट गाड़ी का परफॉर्मेंस जो कि पाकिस्तान की तरफ से अभी रहेगा। बाकी यार यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से अपना डोरेमोन लेके चल रहा है गाइस टोयोटा का फॉर्चूनर। तो गाइस अभी फॉर्चूनर का टाइम आ चुका है यार यहाँ पर, एंड फॉर्चूनर इतना भारी भरकम गाड़ी है यार, देखना पड़ेगा इस गाड़ी का परफॉर्मेंस इधर पे कैसा रहता है। वैसे अच्छा गाड़ी है यार अपना फॉर्चूनर भी। एंड इधर पे गाइस आप लोग देख सकते हो यार गाड़ी तो अपना रेडी हो चुका है, एंड कितना दूर तक जाएगा वो भी अपने को देखना पड़ेगा। फिलहाल यार अभी तक बहुत ही सुंदर जा रही है, नो डाउट यार बहुत ही सुंदर जा रही है। एंड मुझे जितना तक लगता है गाइज ये गाड़ी विनर लिस्ट पे आ जाएगा, अभी देखना पड़ेगा। एंड गाइज फाइनली गाड़ी विनर लिस्ट पे आ चुका है, एंड भाई ब्रेक ही नहीं लगा यार गाड़ी पे। एंड डोरेमोन ने भाई क्या इस गाड़ी पे गैजेट्स यूज़ किया? नहीं यार गैजेट्स क्यों यूज़ करेगा, फिर चीटिंग हो जाएगा ना। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई पाकिस्तान का 2 पॉइंट हो चुका है, तो भाई लेते हैं नेक्स्ट इंडियन गाड़ी। बाकी यार इंडिया में से अभी अपना किको लेके चल रहा है गाइस टोयोटा का फॉर्चूनर लीजेंडर। तो गाइस आप लोगों को क्या लग रहा है भाई टोयोटा फॉर्चूनर लीजेंडर यहाँ पर कैसा परफॉर्म करेगा? मुझे जितना तक लग रही है यार अच्छा कर ही लेगा यार, अभी देखना पड़ेगा गाड़ी का परफॉर्मेंस इधर पे कैसा रहता है। सो लेट्स गो दोस्तों, यहाँ पर गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा रहना चाहिए यार, नहीं तो बुरा लगेगा यार, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। बाकी यहाँ पर वो भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है यार गाड़ी थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल होना नहीं चाहिए। एंड इधर पे गाइज आप लोग देख सकते हो अपना इंडिया की तरफ से टोयोटा फॉर्चूनर लेजेंडर विनर लिस्ट पे आ चुके हैं दोस्तों। सो गाइज इस गाड़ी को इधर पे ही भाई पार्किंग पे लगाते हैं, एंड देखते हैं भाई यहाँ पर नेक्स्ट पाकिस्तानी गाड़ी का परफॉर्मेंस। ऑलराइट, तो दोस्तों अभी हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पर गाइज नोबिता भाई आउटलैंडर। एंड नोबिता ने आज अच्छा गाड़ी चूज किया यार यहाँ पर, जो कि सुपर स्पोर्ट्स कार है गाइज, आप लोगों को पता है जीडी मॉडल एंड जंपिंग किंग कार है भाई ये गाड़ी आउटलैंडर का परफॉर्मेंस। चलिए देखते हैं यार कैसा रहता है यहाँ पर, आई होप सो अच्छा तो रहना चाहिए। बाकी यहाँ पर गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा कम है यार, बहुत ही ज्यादा कम है गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस। एंड इधर पे गाड़ी 200 तक चला गया, लेकिन यार गाड़ी यहाँ पर वो भाई एक गंदा तरीके से क्रैश किया यार, इसे रिट्राई भी नहीं दे पाएंगे अगर ट्रैक पे ही रुक जाएगा तो। वैसे मुझे लगता नहीं है गाड़ी ट्रैक पे रुकेगा, एंड ट्रैक पे वैसे रुक गया लेकिन इसे हम लोग रिट्राई नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये बुरी तरीके से क्रैश किया या दे दे गाइज, आप लोग क्या बोलते हो? नहीं यार ये चीटिंग हो जाएगा तो गाइज इस गाड़ी को हम लोग रिट्राई नहीं दे पाएंगे, सो ये भी फेलियर लिस्ट पे आ जाता है। जो गाड़ी एकदम स्मूथ तरीके से जाएगा गाइज वो गाड़ी हम लोग विनर लिस्ट पे मानेंगे। तो फिर भी हम लोगों ने पाकिस्तानी जो अल्फा रोमियो था भाई उसे हम लोगों ने एक भी पॉइंट नहीं था पाकिस्तान को, उसके वजह से हम लोगों ने उसे रिट्राई दे दिया था। तो अभी आप लोग मत बोलना कि यार गाड़ी तो ट्रैक के ऊपर ही था आपने रिट्राई क्यों नहीं दिया आउटलैंडर को, तो गाइज वैसा कुछ नहीं है कि रिट्राई देंगे उस गाड़ी को, एकदम स्मूथ जैसे कि ये गाड़ी जा रही है अभी तक देखो क्रैश नहीं हुआ, अभी तक भी गाड़ी अभी जाके गाड़ी गंदी तरीके से क्रैश हुआ। बाकी देखो भाई इसे भी हम लोग रिट्राई दे पाएंगे क्योंकि गाड़ी यहाँ पर फ्लिप वगैरह कुछ भी नहीं हुआ यार अभी तक गाड़ी, सो भाई इसे हम लोग रिट्राई दे पाएंगे। देखो भाई मिट्टी को टच भी कर लिया गाड़ी अपना। सो इसी के साथ यार अपना इंडिया का हो जाता है 4th पॉइंट दोस्तों। तो इस वाले गाड़ी को इधर पे हम लोग रखेंगे एंड लेंगे गाइज अपना नेक्स्ट कोई गाड़ी। दोस्तों अभी पाकिस्तान की तरफ से झपलू लेके जा रहे हैं गाइज, यहाँ पर कौन सा गाड़ी आप लोग देख सकते हो? लेक्सस 570। तो भाई लोग देखेंगे 570 लेक्सस का परफॉर्मेंस इधर पे कैसा रहता है। वैसे भाई यार झपलू ने यार बड़ा गाड़ी यहाँ पर चूज़ किया, मुझे जितना तक लगता है ये गाड़ी विनर लिस्ट पे आ जाएगा क्योंकि अच्छा गाड़ी है यार लेक्सस 570 नो डाउट। बाकी गाड़ी अभी तक बहुत ही स्मूथ तरीके से जा रही है यार, आप लोग भी देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही स्मूथ जा रही है। आई होप सो गाइस ये गाड़ी विनर लिस्ट पे आ जाएगा पाकिस्तान का। बाकी यार देखो यार कितना स्मूथ तरीके से गाड़ी विनर लिस्ट पे आ गया। एंड इसी के साथ गाइस पाकिस्तान का वीजा के हो चुका है यार 3 पॉइंट। तो गाइस इस वाले गाड़ी को भी इधर पर रखते हैं भाई लोग,
लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इंडियन गाड़ी का परफॉर्मेंस। बाकी यार इंडिया की तरफ से अभी अपना बॉब लेके जा रहे गाइस होंडा का सिडी, तो गाइस अभी देखेंगे यार होंडा सिडी का परफॉर्मेंस इधर पे कैसा रहता है। एंड लेट्स गो दोस्तों, देखते हैं होंडा सिडी का परफॉर्मेंस। सो फुल ऑन यहाँ पर अपना होंडा सिडी तो वैसे स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। मुझे जितना तक लगता है यार होंडा सिटी विनर लिस्ट पे आएगा, क्योंकि भाई होंडा सिटी अच्छा गाड़ी है यार, नो डाउट यार बहुत ही अच्छा गाड़ी है। लेकिन गाड़ी ओके ट्रैक पे था लेकिन बुरी तरीके से अभी क्रैश हो गया, सो अभी इस गाड़ी को हम लोग विनर लिस्ट पे नहीं दे पाएंगे। देखो ट्रैक पे है लेकिन फिर भी हम लोग इसे विनर मानेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश कर गया, स्मूथ तरीके से नहीं, सो इसे हम लोग फेलियर लिस्ट पे मानेंगे। बाकी दोस्तों अभी यहाँ पर अपना पाकिस्तान की तरफ से भाई टपलू लेके जा रहे हैं गाइस, आप लोग देख सकते हो टोयोटा का लैंड क्रूजर V8 इंजिन के साथ आता है गाइस ये वाला गाड़ी। देखेंगे गाइस अभी इस वाले गाड़ी का परफॉर्मेंस, बाकी टपलू ने भाई बहुत ही सही स्पीड मारा गाड़ी को लेके। एंड आई होप सो गाइज ये गाड़ी विनर लिस्ट पे आएगा, यस आएगा। V8 इंजन का पावर आप लोगों को दिखाएंगे, बहुत ही अच्छा पावर है गाड़ी में, 200 क्रॉस फिर भी इतना स्मूथ जा रही है गाइज, आप लोग देख सकते हो 200 को ऊपर जाने के बाद भी। फिलहाल यहाँ पर देखो भाई ये होता है भाई पैसा, मतलब अच्छा पैसा देने के लिए गाड़ी, क्योंकि लैंड क्रूजर इतना पैसों में आता है, तो इसी वजह से गाड़ी भी इतना तगड़ा है ना ब्रो। बाकी यार चलो लास्ट इंडियन गाड़ी का परफॉर्मेंस देखते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पर गाइस इंडिया में से अपना लास्ट गाड़ी अपना ग्रीन गॉब्लिन लेके जा रहे हैं गाइस, जो कि भाई अपना देसी गाड़ी बोलेरो है। तो गाइस अभी देखेंगे अपना देसी गाड़ी बोलेरो का परफॉर्मेंस इधर पे कैसा रहता है। बाकी चलो यार देखते हैं भाई, गाड़ी तो वैसे अभी तक अच्छा परफॉर्म कर पा रही है, मुझे नहीं लगता है गाड़ी फेल होगा। मुझे जितना तक लगता है भाई ये गाड़ी स्मूथ तरीके से ही विनर लिस्ट पे आएगा। वैसे आप लोग भी देख सकते हो यार गाड़ी कितना सुंदर तरीके से जा रही है यार। एंड फाइनली दोस्तों ये वाला गाड़ी अपना विनर लिस्ट पे आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। बाकी यार इंडिया का फाइनल काउंट कर लेते हैं यार कितना क्या पॉइंट हुआ यहाँ पर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इंडिया का पॉइंट हुआ है गाइज 1, 2, 3, 4, 5। तो गाइज यहाँ पर इंडिया में फाइनल 5 पॉइंट हुआ है। अभी लेते हैं भाई लास्ट पाकिस्तानी गाड़ी यार, अभी यहाँ पर अपना पपलू लेके जा रहे गाइज पाकिस्तान की तरफ से यार फोर्ड एक्सप्लोरर। तो गाइज अभी देखेंगे यहाँ पर पाकिस्तान का फोर्ड एक्सप्लोरर का परफॉर्मेंस। तो गाइज आप लोग रेडी हो ना, चलो देखते हैं यार फोर्ड एक्सप्लोरर का परफॉर्मेंस। तो लेट्स गो, फोर्ड एक्सप्लोरर भी अपना GT नहीं ST मॉडल है, देखते भाई इस वाले गाड़ी का परफॉर्मेंस इधर पे कैसा रहता है। वैसे अभी तक तो यार सही जा रही है, लेकिन यार बीच में बहुत ही गंदी तरीके से यार पूरा बेंड हो गया यार, इतना गंदी तरीके से क्रैश हुआ। सो गाइस ये वाला गाड़ी तो फेलियर लिस्ट पे आएगा ही आएगा। वैसे चलो गाड़ी को नीचे तक तो वैसे ले चलते हैं, देखते भाई कितना क्या काउंट है। वैसे ये गाड़ी विनर लिस्ट पे नहीं आएगा क्योंकि बहुत बुरी तरीके से गाड़ी क्रैश किया। अभी देखते हैं और एक बार क्रैश करेगा या नहीं, वैसे और तो क्रैश नहीं करेगा, बुरी तरीके से ऑलरेडी क्रैश कर गया यार। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इंडिया का 5 पॉइंट हुआ, पाकिस्तान का यार 4 पॉइंट हुआ। बाकी यार आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है क्या हम लोग फोर्ड एक्सप्लोरर को रखे यार विनर पे। अगर आप लोग चाहते हो तो चलो यार, अगर आप लोग नहीं चाहते तो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप लोग नहीं चाहते हो तो भाई इंडिया जीत जाएगा, अगर आप लोग चाहते हो फोर्ड एक्सप्लोरर रहे तो भाई यहाँ पर गेम हो जाएगा ड्रॉ, क्योंकि दोनों कंट्री का ही यहाँ पर 5 करके पॉइंट हो जाएगा। फिलहाल गाइज आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप सो गाइज आप लोगों को अच्छा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई लोग। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो पे, सो टाटा एंड बाय बाय दोस्तों।